हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, 10 बजे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है कि हम आपको क्या बताएं। आप देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। हम आपको दिखाते हैं जीने से अपने कि कितनी धूप है हमारे यहाँ। ये देखिए कितनी तेज़ धूप खिली हुई है और यहाँ अंदर बरामदे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपको सही से धूप नहीं दिख रही होगी। तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी लग रही है आज, क्या करें। तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चे अपना ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो वो अपने क्लासेस अटेंड करे हुए हैं, पढ़ रहे हैं सब। अब हमारा काम है कि हम जा रहे हैं अपना खाना बनाने, लेकिन गर्मी से हमारा बुरा हाल है, लेकिन खाना तो हमें बनाना ही है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे बहुत बढ़िया रेसिपी, बहुत ही नई डिश बनाने जा रहे हैं। थोड़ा झंझट का काम है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो हमने सोचा आज, बहुत दिनों से मैंने ये सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज हम कुछ नया बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको रेसिपी हमारी समझ में आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। तो हमने ली है चने की दाल, जिसको हमने रात भर भिगोया है, तो ये हम रात भर इसको भिगो लिए थे और सुबह हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने उड़द की दाल भी भिगोई थी, 2 कटोरी हमने उड़द की दाल ली थी और 2 कटोरी हमने उड़द की दाल ली थी, दोनों को हमने भिगो दिया था। और सुबह हम इसको अच्छे से साफ करके मिक्सी में पीस लेंगे। दोनों दाल हम अलग अलग पीसेंगे, उड़द की दाल हम अलग पीस रहे हैं और चने की दाल हम अलग पीसेंगे। तो ये हमारी चने की दाल पीस गई है और हम इसको निकाल लेंगे और हम उड़द की दाल पीसेंगे। तो अब हम उड़द की दाल ले रहे हैं और उड़द की दाल को भी हम ऐसे ही पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है फ्रेंड्स, ये हमें मीडियम रखना है, क्योंकि ज़्यादा पतली अगर हम पीस देंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा ही पीसेंगे। और चने की दाल को भी हमने थोड़ा सा मोटा ही पीसा है, दोनों दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम चने की दाल में से आधी दाल अलग निकाल लेंगे और ये जो हमारी दोनों दालें हैं इनमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा हम गरम मसाला और धनिया ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों में, नमक मिर्च और गरम मसाला धनिया पाउडर मिला लेंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको थोड़ा सा तीखा कम करिएगा, नहीं तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए फ्रेंड्स, तो नमक हम भी अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। ये दोनों दालें हमने ले ली हैं अलग अलग, इनको मिक्स करेंगे, एक ही में मिक्स नहीं करना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो झंझट वाली रेसिपी तो हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी कभार ही बनाते हैं। तो आज हम बहुत दिनों के बाद इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं आज, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा उलझन लगती है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आज ये रेसिपी ट्राई की है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगी और हमारी रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाएगी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको, तो बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। तो ये हमने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया है और हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी तो तेल हमारा रह गया था, तो इसी में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, आप चाहें तो सरसों का तेल लीजिए। तो हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, हम थोड़ा सा
सरसों का तेल इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई में तेल कम है, तो हम थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा तेल और डाल लिया है। तो जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम अपनी हथेली में पानी लगाएंगे और छोटी छोटी सी बरिया बना लेंगे। जैसे हम बड़े बनाते हैं उसी तरह से हम बड़े बना बना के इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये हम छोटे छोटे पतले पतले से बड़े बना रहे हैं और एक एक करके तेल में फ्राई कर लेंगे। इनको धीरे धीरे आंच पे पकाना है, अच्छे से पकाना है, कच्चे ना रह जाएं। कच्चे रह जाएंगे अगर तो हमारी सब्ज़ी का स्वाद ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको पकाना है। दो तीन बार हम इसको पलट पलट के पकाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने वीडियो में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, लगभग हमारे सारे बड़े बनने वाले हैं। उड़द की दाल हमारी ख़त्म होने वाली है, तो हम ऐसे ही चने की दाल की भी बरिया नहीं बनाएंगे, हम चने की दाल की पकौड़ी बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम पकौड़ी कैसे बना रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। तो हमने बड़े तो सारे बना लिए हैं, बड़े हमारे बन चुके हैं, और अब हम चने की दाल की पकौड़ी बनाएंगे। ये बड़े सूखे भी अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो इसको सूखा भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको दही में भिगोकर अगर आप खाएंगे तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए, हम चने की दाल की पकौड़ियाँ टाइप की बना रहे हैं, जैसे पकौड़ी बनाई जाती है बेसन की, उसी तरह से हम बेसन, ये चने की दाल है, इसकी हम पकौड़ी बना रहे हैं गोल गोल। तो इसका हमने कोई सेप नहीं दिया है, हमने यूं ही उठा उठा के डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा पकौड़ी की तरह। तो इसको हम पकौड़ी की तरह पकाएंगे। ये भी सूखी खाने में अच्छी लगती है, अगर हम दही के साथ भी इसको डुबा के खाएंगे तब भी ये अच्छी लगती है। तो ये दोनों बड़े और पकौड़ी दोनों भी दोनों को आप दही में डुबोकर भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी पकौड़ियाँ भी बनकर रेडी हो गई हैं। तो हम सारी पकौड़ी एक एक करके निकाल लेंगे। तो अभी हमारी कढ़ाई में तेल ज़्यादा है, तो हम तेल थोड़ा सा कम करेंगे और इसी बचे हुए तेल में हम सब्ज़ी छौंक देंगे। तो ये हमने तेल कम कर लिया है, हमने कड़ी पत्ता डाला है पहले, उसके बाद हमने एक छोटा छोटा प्याज काट लिया था, तो हमने प्याज डाल दिया है और हरी मिर्च डाली है। तो इसको हम अच्छे से, हींग डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी, और अच्छे से हम पका लेंगे। जब तक ये हमारा गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो ये हमारा प्याज पक रहा है और प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम इसमें जो हमने चने की दाल पहले निकाल कर रखी थी, वही दाल हम इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारी दाल जब भूनने लगेगी तो अपना कलर चेंज करने लगेगी, तो हमारी दाल का कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल का कलर चेंज हो गया है। इसको बहुत अच्छे से भूनना, कच्चा ना रह जाए। तो जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। हमने एक टमाटर लिया था जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, तो ये हमारा टमाटर भी अच्छे से, जब तक पकेगा नहीं तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। टमाटर जब हमारा अच्छे से गल जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हमने धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला लिया है। तो इसको भी हम ऐसे ही भून लेंगे अच्छे से, चला चला के, मसाला हमारा जलने ना पाए। बहुत ध्यान से हमें इसको पकाना है। तो ये हमने मसाला भी डाल दिया और मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे। जब मसाला हमारा पक जाएगा, हमको महक आने लगेगी मसाले की, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डालिए, अच्छे से पानी डाल दीजिए, क्योंकि पकने के बाद ये सब्ज़ी हमारी गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम डालिए। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से
थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। 10 मिनट तक हम इसको ढककर पका लेंगे। तो हमने प्लेट रख दी है, 10 मिनट के बाद हम अपनी प्लेट को उठाएंगे, देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी पकी है कि नहीं। तो हमने 10 मिनट के बाद फिर से देखा है तो अभी हमारी सब्ज़ी पकी नहीं है, पक रही है, खौलने लगी है। जब हमारी ये सब्ज़ी अच्छे से खौलने लगेगी तभी हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे हम इसमें जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी तो वो हम इसमें एक एक करके सारी पकौड़ी डाल देंगे। तो देखिए अभी हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें एक एक करके सारी पकौड़ी डाल देंगे। ये पकौड़ियाँ हमारी इसी पानी में फूल जाएंगी, जो हमारी ग्रेवी बनी हुई है इसी में ये सारी फूलेंगी। तो हमारा पानी थोड़ा सा कम होगा और हमारी सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी। तो ये हमने सारे बड़े और सारी पकौड़ी इसी ग्रेवी में डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए अब हम इसको भी अच्छे से ढक कर 10-5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे यूं ही, जब तक ये हमारी सब्ज़ी गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद करेंगे। जब इस ये पकने लगती है फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो अभी हम इसको ढककर पका रहे हैं, तो ढककर पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम फिर से ढक्कन उठाएंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी गाढ़ी होने लगी है, ये देखिए हमारी सब्ज़ी गाढ़ी हो रही है। तो ऐसे ही हमें पका लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्ज़ी बन रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लग रही है। ये दोपहर के सुबह 11 बज रहे हैं और देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, पूरा पसीने से हम लथपथ हो गए हैं। और ये हमने सब्ज़ी की आपको पूरी रेसिपी दिखा दी है। तो ये देखिए, मुझे पूरी आशा है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज हम यही बनाए हैं। वैसे ये थोड़ा इसमें झंझट का काम रहता है, बहुत ज़्यादा झंझट पड़ता है, इसलिए हम इसको बहुत कम ही बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसको नहीं बनाते हैं। तो आज हमने काफ़ी दिनों के बाद ये सब्ज़ी बनाई है। तो अभी हमारी सब्ज़ी पक रही है, थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाएगी तभी हम इसको बंद करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे। और ये सब्ज़ी आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आप कैसे भी खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो देखिए कितना पसीना आ रहा है हमारे, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है। ये हम किचन से बाहर आ गए हैं, पंखे में भी कुछ नहीं लग रहा है कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पंखे से भी ज़्यादा हवा नहीं आ पा रही है। तो हम बहुत आज गर्मी से परेशान हैं। अब फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी ये देखिए पक गई है, तो गाढ़ी भी हो गई है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है। ये हमारा चावल जो हम पका रहे थे, हमारा चावल भी पक गया है। तो हमने दोनों तरफ से गैस को बंद कर दिया है। अब हम रोटियां सेकेंगे। तो रोटी अभी हम थोड़ा देर से सेकेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं सेकनी है हमें रोटियाँ, क्योंकि अभी कोई है नहीं घर पर खाना खाने वाला। तो जब सब लोग आ जाएंगे तो हम गर्म गर्म रोटियाँ सेकेंगे। सब आ रहा है? हाँ सब आ रहा है। तो ये हमारी रोटियां सिक गई हैं, अब हम बेटी के लिए खाना रख देंगे। बेटी को भूख लगी है तो हम उसके लिए खाना निकाल रहे हैं। ये हमने चावल बनाया है। सब्जी है, सब्जी हमारी गाढ़ी हो गई है। ये हमने सवेरे तरोई की सब्जी बनाई थी, तो हम थोड़ी सी तरोई की सब्जी भी दे देंगे बिटिया को। तो ये हमारा खाना बनकर रेडी है।